सत्र का आज पहला दिन है और विधानसभा में राजद का प्रदर्शन आप देखिए कि किस तरीके से तमाम विधायकों के हाथों में पोस्टर है। उस पोस्टर में जिस तरीके से 23 मार्च को तमाम विधायकों को चोट आया है और उस की फोटो हाथों में लिए हुए हैं और जिस तरीके से 23 मार्च को विधायकों के साथ मारपीट की गई, कई विधायक जख्मी हुए, उन तमाम विधायकों के हाथों में पोस्टर नज़र आ रहे हैं। महिला हो या पुरुष विधायक, तमाम जो विधायक हैं उनके हाथों में पोस्टर नज़र आ रहा है और स्पष्ट रूप से उस पोस्टर बैनर में तमाम जिनको जो चोटें आई हैं उस चोट को लेकर आज प्रदर्शन है। साथ ही साथ जो महंगाई है उसको लेकर भी नारेबाजी कर रहे हैं कि जो सरकार महंगाई नहीं रोकना है, सरकार को बदलना है। इन तमाम तरह के नारे को लेकर आज विधायक जो है, तमाम जो विधायक हैं वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विधायकों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अगर सदन चलती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफ़ी मांगते हैं तभी आगे का काम बढ़ेगा, अन्यथा सदन नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम आलोक मेहता जो विधायक हैं उनसे भी बात की गई, उनसे भी सवाल किया गया कि आखिर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में किस प्रकार से उन लोगों का एटीट्यूड रहता है, किस प्रकार से वो लोग खेद प्रकट करते हैं या नहीं करते हैं, अगर खेद नहीं प्रकट करेंगे तो उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से माफ़ी मांगने की बात तेजस्वी यादव ने कही है, अगर नहीं होगी तो महागठबंधन के साथ फिर से बैठक होगी और उस बैठक के बाद फिर जो नेता निर्णय लेंगे उस निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या एटीट्यूड रहता है और सदन में क्या कुछ होता है, उसके बाद तमाम जो विधायक हैं वो सदन चलने देते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। और आलोक मेहता ने क्या कुछ कहा है उनके बयान को सुना। सारे पुलिस के मतलब बंदूक के नोक पर जो बिल पास कराया गया वो बिल एक दिन बाद भी कंसेंसस क्रिएट करके कराया जा सकता था, लेकिन इस तरह की जो हिटलर शाही हुई इसके विरुद्ध इस प्रजातांत्रिक देश और राज्य में यह विरोध प्रदर्शन और यह विरोध की अभिव्यक्ति बहुत स्वाभाविक है। इसलिए सारे विधायक विधानसभा चलने देंगे आप लोग, यह हम लोग तय करेंगे कि सरकार का एटीट्यूड क्या होता है। सरकार का एटीट्यूड यदि अपोलोजाइजिंग हुआ, यदि उनको खेद है, उन्होंने यदि उसके लिए माफ़ी मांगी तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, नहीं तो फिर हमारे नेता के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन जो निर्णय लगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा रख के नहीं तो होगा चक्का।